हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों, आज फिर एक काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलर पैनल्स के बारे में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिटेल में टेस्टिंग करेंगे 575 वाट के दो पैनल हमने UTL गामा प्लस 1 KVA 12 वोल्ट के साथ लगाए हुए हैं। और दोस्तों, दोनों पैनल को हमने छत पर लगा रखा था। UTL गामा प्लस 1 KVA 12 वोल्ट पर हमने 575 वाट के दो टॉपकॉन सोलर पैनल लगाए हुए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो टॉपकॉन सोलर पैनल है उसकी UTL गामा प्लस 1 KVA 12 वोल्ट के साथ डिटेल में टेस्टिंग देखेंगे। अलग अलग टाइम तथा अलग अलग मौसम में हम इसकी काफ़ी डिटेल में टेस्टिंग देखने वाले हैं। तो अलग अलग कंडीशन है और दोस्तों अलग अलग टाइम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, देखिए अभी टाइम हुआ है, दिन के 11 बजे हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों, जो इसकी पूरी 68% अभी लोड चल रहा है। देखिए यहाँ पे 43.7 वोल्ट सोलर से आ रहे हैं और 20.8 एम्पियर आ रहे हैं। तो दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त, और साथ में बैटरी भी चार्ज हो रही है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे 68% लोड चल रहा है, साथ ही बैटरी भी चार्ज हो रही है 575 वाट के दो टॉपकॉन सोलर पे। देखो 5.2 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छा आउटपुट अभी हमें करंट में मिल रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए 68% लोड बहुत ही आराम से चला पा रहा है हमारा इन्वर्टर। तो दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है यहाँ पर। और यहाँ पे देखिए फिर दोस्तों, ये अलग टाइम पे है। देखिए यहाँ पे 17.4 एम्पियर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लगभग 10 बजे का टाइम है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 30% अभी लोड चल रहा है और 49 वोल्ट आ रहे हैं सोलर पैनल से और 14 एम्पियर आ रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे क्लियरली, जो देखिए यहाँ पर, तो 13.2 वोल्ट पे हमारी बैटरी है और 18.5 एम्पियर से चार्ज हो रही है। तो दोस्तों, आप टोटल पावर भी कैलकुलेट कर सकते हो, वोल्टेज इनटू करंट सोलर से आने वाली। और तो 30% लोड के साथ साथ बैटरी भी बहुत ही आराम से चार्ज कर पा रहा है। और दोस्तों, ये देखिए नेक्स्ट टाइम पे है ये, यहाँ पर आप देखिए काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है यहाँ पर। दोस्तों, अगर हम बात करें, देखिए 13 वोल्ट पर हमारी बैटरी है, 2.3 एम्पियर से चार्ज हो रही है। और यहाँ पे अगर सोलर पैनल से आने वाले वोल्टेज और एम्पियर की बात करें, 78% लोड चल रहा है। देखिए दोस्तों, 78% 44.8 वोल्ट आ रहे हैं और यहाँ पे 20.6, मतलब 800-900 वाट के समथिंग एनर्जी आ रही है, 800 से 900 वाट के समथिंग। दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त, 1150 वाट के सोलर पैनल से काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से जो 575 वाट के सोलर पैनल है, ये UTL गामा प्लस 1 KVA 12 वोल्ट के साथ काम कर रहे हैं। दोस्तों, क्लियरली आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे वीडियो में कि 79% तक भी लोड चला पा रहे हैं पैनल्स, और साथ में ही देखिए 40.7 वोल्ट आ रहे हैं और 22 एम्पियर आ रहे हैं। तो 880 वाट के समथिंग दोस्तों सोलर पैनल से एनर्जी आ रही है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है और 575 वाट के सोलर पैनल आराम से सपोर्ट भी कर पा रहा है ये इन्वर्टर। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे एक साइड की एक बैटरी लगाई हुई है। अगर यहाँ पे सेटअप दिखाऊं तो दोस्तों, देखिए 575 वाट के दो सोलर पैनल लगाए हुए हैं जो कि 15 से 20 डिग्री के एंगल पे होंगे। काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, 44 वोल्ट आ रहे हैं सोलर से, 20.6 एम्पियर। तो लगभग 900 वाट के समथिंग एनर्जी जनरली हमें आ जाती है सोलर पैनल से, और आराम से 80% लोड तक ही आराम से चला लेता है। देखिए यहाँ पे 13.6 वोल्ट पे हमारी बैटरी है और 30 एम्पियर से चार्ज हो रही है। तो दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। देखिए 28% लोड चल रहा है अभी। और यहाँ पे अगर हम बात करें, 44.5 वोल्ट सोलर पैनल से आ रहे हैं, 20.6 एम्पियर आ रहे हैं और 292 यूनिट हमारा सोलर सिस्टम अब तक बना चुका है। और दोस्तों, यहाँ पे अगर बैटरी चार्जिंग की एम्पियर की हम बात करें, 13.7 वोल्ट पे बैटरी है और 30.6 एम्पियर से हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। दोस्तों, बैटरी काफ़ी ज़्यादा एम्पियर से चार्ज हो रही है। और ये फिर से आप देख सकते हो, बैटरी का वोल्टेज 12.7 है, 1.6 एम्पियर से हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। और दोस्तों, यहाँ पर लोड की बात करें तो देखिए, लोड काफ़ी 61% लोड चल रहा है। तो दोस्तों, आज थोड़ा क्लाउडी वेदर है, इतना अच्छे तरीके से सूरज नहीं निकल रहा है। देखिए 44.7 वोल्ट और 14.6 एम्पियर सोलर पैनल से आ रहे हैं। तो दोस्तों, काफ़ी, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, जो टॉपकॉन सोलर पैनल है वो UTL गामा प्लस 1 KVA 12 वोल्ट 2024 मॉडल के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर पा रहे हैं। दोस्तों, आप भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो। इसकी VOC है 53 वोल्ट। थैंक यू सो मच।